दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर डटी है और चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहीं अगर सेना और हथियारों के मामले में दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कहा जाए तो सेना की ताकत के लिहाज से रूस बेशक यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच ये भी है कि यूक्रेन किसी भी मामले में रूस से आगे कहीं नहीं ठहरता। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में हर किसी का मानना है कि ये एक तरफा मामला ज्यादा है। खबरों की माने तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है और अगर ताकत, क्षेत्रफल और सेना की बात करें तो रूस अपने इस पड़ोसी देश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली भी है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो रूस जितना विशालकाय है उसके सामने यूक्रेन बच्चा नजर आता है। रूस का क्षेत्रफल यूक्रेन से 5 गुना से कहीं ज्यादा है। और अगर बात किया जाए तो रूस अपने सैनिकों पर $61.7 बिलियन खर्च करता है तो यूक्रेन केवल $5.5 बिलियन ही खर्च करता है। बता दें कि रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। इसमें कुल मिलाकर 9 लाख सैनिक और अधिकारी है जबकि यूक्रेन के पास केवल 2,10,000 ही है। वही टैंक की बात किया जाए तो रूस के पास 12,420 टैंक है और यूक्रेन के पास केवल 2,596 ही। और वही हवाई ताकत की बात किया जाए तो बता दें कि रूस की ताकत हमेशा वायु में ही ज्यादा रही है। उसका दावादाव पूरी दुनिया में मानती रही है। अभी रूस के पास 4,173 हवाई विमान है और यूक्रेन के पास 772 ही। इसी तरह नौसेना के अंदर में भी 605 जहाज और 30 पनडुब्बी है तो यूक्रेन के पास केवल 38 नौसेना जहाज है और एक भी पनडुब्बी नहीं है। दोस्तों, इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताना।